हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2019 जनवरी भी हो गया, अप्रैल भी हो गया, अप्रैल के आंसर शीट्स भी आ गई, आप लोगों ने अपने स्कोर भी चेक कर लिए होंगे और आप में से कई बच्चों ने जिन्होंने मुझे मैसेज किया, बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जिनका स्कोर मोर देन 100 मैथ्स अकेले में, तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ देखें तो जो मुझे लगता है इस बार कि अगर आप 100 प्लस हैं तो डेफिनेटली श्योर है कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड कर गए, और इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ 85 से 90 के बीच में भी स्कोर है तो हो सकता है, पर 100% 100 मार्क्स पे श्योर है। अब बात आती है कि जेई एडवांस के लिए अब हम क्या करें, हमारे पास अब जो टाइम है उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, लगभग 40 डेज हैं, इन 40 डेज को किस ढंग से यूटिलाइज करें कि जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बिट सेट का पेपर दे रहे होंगे, बिट सेट का पेपर भी उसी समय है और बिट सेट के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। अगर आपने बिट सेट के लिए जो जेई मेंस की प्रिपरेशन की है वैसे ही प्रिपरेशन आप मान के चलिए कि बिट सेट की, यानी आपको वही एक पैटर्न फॉलो करना। अब बात आती है जेई एडवांस के लिए क्या करें। सबसे पहले जेई एडवांस के लिए कंफ्यूज होना छोड़ दें, क्योंकि जेई एडवांस और जेई मेंस में सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, पेपर के पैटर्न, लेवल, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, इनमें डिफरेंस है। यानी अगर हम पेपर का डिफरेंस क्लियर कर लेंगे तो जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं भी आपके साथ जेई एडवांस के भी कुछ पेपर डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझ में आए कि हम कहां पर क्या कर सकते हैं। यानी अगर हम थ्योरी पार्ट को देखें तो सेम है, जो मैंने क्विक रिवीजन क्लास ली थी, आप में से कई लोगों के मैसेज थे, फीडबैक था, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट निकले, वो क्योंकि उसी पे बेस्ड आपने देखा कि क्वेश्चंस बेस में आए। अब बात आती है कि एडवांस के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, एडवांस के लिए एक चीज समझिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? क्योंकि आपको पैसेज मिलेंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन लिंक हो सकते हैं, आपको 2 फॉल्स क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैच द कॉलम मिल सकता है, ये एक डिफरेंस। दूसरा, थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा कंपेयर टू मेंस, क्योंकि मेंस में जो हम पेपर में क्वेश्चन देते हैं हमें पता सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे और लेवल उसका कम होगा, पर एडवांस की जब बात करते हैं तो इसी सिलेबस के और डेप्थ को पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह होगा कि सबसे पहले आप 18, 17 और 16 जेई एडवांस के पेपर्स को बहुत बहुत ही ऑनेस्टली, जो दोनों पेपर होते हैं उनको बहुत ही ऑनेस्टली और डीपली सॉल्व करिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें एडवांस में और मेंस में क्या डिफरेंस क्लियर रखना है। और उसी में मैं भी आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा तो मैं बता पाऊंगा, बेस वही है, फाउंडेशन वही है, सब कुछ वही है, यानी कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जेई मेंस के समय भी मुझे बहुत सारे बच्चे जब मैसेज करते थे कि सर पेपर जेई मेंस का जनवरी का आया है, ऐसा रहा हूं कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल का पेपर टफ आएगा, जब भी मैंने बोला था पेपर टफ कभी भी नहीं आता, और आप देखें तो पेपर टफ नहीं था। लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो जेई एडवांस के पेपर टफ नहीं थे, बहुत ही कंसेप्चुअल थे, लॉजिकल थे। यानी आपको हर टॉपिक पे एक अच्छा कमांड रखना है, और इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक जितना मेंस में होता है उससे भी कई ज्यादा हमको पता है एडवांस में होता है। यानी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं पर हमें पूरी मैथ्स आना चाहिए, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं पर हमें ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा दोनों के कंसेप्ट एक साथ यूज करने आना चाहिए। यानी एप्लीकेशन पार्ट जो है एडवांस में मोर इंपॉर्टेंट है, यानी एप्लीकेशन जितने अच्छे क्लियर होंगे उतने अच्छे से आप एडवांस में स्कोर कर सकते हैं। मेंस में और एडवांस में अगर कोई डिफरेंस है तो मुझे यही लगता है कि एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में भी वही कंसेप्ट है, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी, पर केमिस्ट्री के लिए मैं फिर बोलूंगा कि केमिस्ट्री के लिए तो अगर अपना एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कर लिया और साथ में उनके एप्लीकेशंस कर लिए, उनके पीछे की दी हुई एक्सरसाइज को अच्छे से करा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बिट सेट के लिए आपको करना ये कि बिट सेट के जो पुराने एक्चुअल पेपर्स हैं उनको एक बार फिर से सॉल्व कर लें। और एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जेई मेंस के जो अभी पेपर हुए हैं, ये जो 8 पेपर, इनको एक बार जरूर आप दोबारा सॉल्व करें एडवांस के पहले, इवन जनवरी वाले भी 8 पेपर्स, उसका एक पर्पस है। उससे आप समझ में आ जाएंगे कि इन पेपर्स में कहाँ कहाँ लैग करे हैं, इन पेपर्स में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई है, फिर एडवांस के पेपर को सॉल्व करिए 18, 17 और 16 के रिवर्स ऑर्डर में, एंड देन अपनी प्रिपरेशन का ऑर्डर रखिए। और आप में से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमारा भी 60% सिलेबस हुआ, 80% हुआ, बचे हुए को करें कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि 60%+ अगर सिलेबस है तो इसी सिलेबस को अच्छे से करें, पर अगर 60 से कम है तो कोशिश करें कि अच्छे से बना लें, क्योंकि अगर आप 70-75% सिलेबस करके जाएंगे या 80%, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि हो सकता है 10-20% सिलेबस आप ना कर पाए तो भी आपके पास एक अच्छा 60% का बैकअप रहेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जेई
मेंस में जैसे स्कोर आता है लगभग उसी रेशियो में एडवांस में आता है, उसी बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम से जंप कर जाते हैं मेंस में कम स्कोर के बाद भी, और वो स्टूडेंट होते हैं जो मिसगाइड नहीं होते, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि मिसगाइड होना छोड़ दीजिए, कंसेप्चुअल लॉजिकल तरीके से पढ़ाई करिए, पेपर का डिफरेंस समझिए, एप्लीकेशंस पे और वर्क करिए, हर क्वेश्चन के साथ ये थॉट्स आना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो इन पे एक अच्छा वर्क करिए। और फिर मैं अभी आपके जो सेशन लूंगा उसमें यही कोशिश करूंगा कि जो डिफरेंस है वो क्लियर हो, और क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे हम डेवलप करें, किस तरह से एप्लीकेशंस को वर्क करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।